नमस्कार, ग्राउंड मीडिया टीम मौजूद है सफ़ेदों में और हम आपको एक बहुत ज़रूरी आज बात बताने जा रहे हैं। और वो ज़रूरी बात ये है कि जिसमें पूरे दुनिया का भला होने वाला है। हमारे पास आज सफ़ेदों में पहुँचे हैं, मुंबई से चल के आए हैं, ये जो सामने आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, जिनका नाम है विकास फ़कीर। अपने आप को विकास फ़कीर बताते हैं वो, और मुंबई से चल के स्पेशल यहाँ सफ़ेदों पहुँचे हैं। हमारे पास हमारा कॉन्टैक्ट नंबर इनके पास था, इन्होंने फ़ोन किया कि हम बहुत ज़रूरी बात आपके चैनल के माध्यम से सरकार को बताना चाहते हैं। और बता दें कि वो ज़रूरी बात है क्या। वो ज़रूरी बात ये है कि जैसा कि वैश्विक महामारी पूरे विश्व में अपने पाँव पसार रखे हैं, जिसकी वजह से लेके आज पूरा विश्व एक दुख की घड़ी में है और लाखों लोग मौत के मुँह में जा चुके हैं। दूसरा, जो भ्रष्टाचार का मामला है, उस भ्रष्टाचार को भी ख़त्म करने का ये दावा करते हैं विकास फ़कीर, और कोरोना को 25 दिन में ये ख़त्म करने का दावा करते हैं सरकार से। और इनका ये कहना है कि अगर सरकार, भारत सरकार इनको बुलाए, इनकी बात सुने, इनका जो मेथड है, जो तरीका है, या जो उपदेश दो ये देंगे, क्योंकि ये साईं बाबा के भगत हैं, इनका ये कहना है कि अगर सरकार मेरी बताई हुई बात मान ले तो देश से, दुनिया से कोरोना का विनाश हो जाएगा, कोरोना बिल्कुल जड़ से समाप्त हो जाएगा। और दूसरी बात इन्होंने जो विशेष कही है वो ये कि जो भ्रष्टाचार फैला हुआ है देश के अंदर, अगर सरकार इनकी बात मानती है, भारत सरकार, तो भ्रष्टाचार भी बिल्कुल देश से, जड़ मूल से ख़त्म हो जाएगा। इनसे जानते हैं कि सतयुग आ जाएगा, और सतयुग की बात करते हैं कि सतयुग भी जल्द आ जाएगा। अगर इनकी ये तीन बातें सरकार मानती है तो इनका दावा है कि इनकी बताई हुई बात अगर सरकार मानती है तो तीनों चीज़ों से बिल्कुल, इनका दावा ये है कि कोरोना और भ्रष्टाचार भी ख़त्म होगा और सतयुग जल्द आएगा। और ये साफ तौर पर ये भी कहते हैं कि अगर इनकी बात झूठ साबित हुई तो इन्हें फांसी पर लटका दिया जाए, मौत की सजा दे दी जाए। 25 दिन के नहीं है। अभी जानते हैं इनसे, इन्हीं से जानते हैं कि इन तीनों बातें, तीन दावे हैं, कौन कौन से दावे हैं आपके, क्या कहना चाहते हैं सरकार से, और आपका यहाँ सफ़ेदों पहुँचने पर ग्राउंड मीडिया में बहुत बहुत स्वागत है। आप मुंबई से चल के यहाँ आए। जी सर। सर, ये मेरे को उपदेश मेरे को अप्रैल महीना का 5 तारीख को मिला है सर। अप्रैल महीना का 5 तारीख को लगभग 3 बजे का करीब सर, मेरा ये दांत साइड है ना सर, बहुत दर्द हो रहा था। होते होते ना सर, मेरा क्या हो गया क्या मालूम, उस टाइम पे साईं बाबा, बहुत सारे भगवान बोलेगा तो, नबी बोलेगा तो, मेरे ऐसा मेरा बात हुआ, जैसा नबी बोलेगा तो जीसु ख्रीस्ट, ईसा नबी, उसके बाद ब्रह्मा विष्णु महेश्वर भी था, उसके बाद श्री राम प्रभु भी था, श्री कृष्ण जी भी था, ऐसा कि उस टाइम मृत अवस्था में थे हम सबको नहीं सर, हमको मालूम नहीं कि मैं मर गया, मगर आदमी लोग सब बोल रहे हैं कि मर गया इसने। इसी दौरान आपकी भगवान से बात हुई? हाँ, उसी दौरान हमारा भगवान से बात हो रहा था। तो क्या बात हुई थी? क्या मेरा ये जो उपदेश है, आप तुमको ये उपदेश दे रहा हूँ, ये उपदेश पालन करवाएगा सरकार से तो 25 दिन का अंदर ये कोरोना ख़त्म हो जाएगा। सरकार हमसे नहीं होएगा, ये उपदेश पालन कराना हमारा लिए नामुमकिन है, मगर हम जो उपदेश देगा सरकार द्वारा ये पालन करवाएगा, रखा जाएगा। जैसा बहुत सारे उपदेश रखा गया है, जैसा हमारा देश में तो 2-2.5 महीना लॉकडाउन था, जैसा अगर बोलेगा ताली बजाया तो ऐसा कौन सा तरीका आपके पास जो आप सरकार को बताना चाहते हैं जिससे कोरोना ख़त्म हो जाएगा, भ्रष्टाचार ख़त्म हो जाएगा और सतयुग जल्दी आ जाएगा? सर, इसलिए मैं जो उपदेश है सर, इसलिए नहीं बताने चाहता हूँ कि ये दुनिया बहुत, ये जो है ना सर, बेईमान है। तो तीनों बातें आप सरकार को बताना चाहते हैं? हाँ जी सर, सरकार को बताने। अगर आपकी तीनों बातें ना पूरी हुई तो? ना पूरी है तो क्या है सर, हमारा जिंदगी तो ऐसे ही मेरा विफल है, सबका जिंदगी में ऐसा भ्रष्टाचार में ये हुआ है, तो हमारा सरकार बात नहीं मानेगा तो और क्या कर सकते। थोड़ी देर पहले आपने हमें ये बताया था कि अगर मेरी तीनों बातें पूरी ना हुई, अगर मेरे बताए अनुसार सरकार कदम उठाती है, हाँ, मेरी तीनों बातों पे, अगर मेरी तीनों बातें पूरी नहीं होती तो मुझे फांसी की सजा भी दे सरकार। हाँ जी सर, 25 दिन का अंदर कोरोना दुनिया से ख़त्म नहीं हुआ तो 26वां दिन में ना, 26 दिन में मेरा फांसी,
इसकी में कोई दावा नहीं करेगा, हम इंस्टा में लिख के देगा सर। 25 दिन में कोरोना महामारी एकदम 100% खत्म हो जाएगा और सर, और भ्रष्टाचार कितने दिन में खत्म हो जाएगा? भ्रष्टाचार लगभग हमारा भारत में 18 से 25 महीना लगेगा सर। और सचिव आने की भी बात कर रहे हैं आप, वो कितने समय में आ जाएगा? वही है ना सर कि 18 से 25 महीना भ्रष्टाचार दूर नीति खत्म हो गया तो सतयुग भी आ गया, भ्रष्टाचार दूर नीति दूर काम कुछ नहीं रहेगा तो सतयुग ही आ गया ना सर, इसमें क्या है, वही बातों में आ गया ना सर। 18 से 25 महीना मतलब भ्रष्टाचार दुर्नीति सब ये सब दुष्कर्म काम खत्म करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा 18 से 25 महीने लगेगा और कोरोना ख़त्म करने के लिए 25 दिन, ओनली 25 दिन। ये उपदेश कोई भी देश पालन करेगा ना तो कोई भी देश से खत्म, यानी कि पूरे विश्व को संदेश दे रहे हैं आप ये? हाँ, ये संदेश हम तो क्या हमारा भारत का जनता तक हम नहीं पहुँचा पा रहे तो हम विश्व में कैसे नहीं फैलवाएगा, तो हमारा सरकार फैला सकते हैं हमारा ये। आपकी बात हमारे चैनल के माध्यम से पूरी दुनिया तक जाएगी। ईश्वर अल्लाह भगवान सबका मालिक एक है, साईं बाबा का बहुत मैं परम मैं भक्त हूँ सर, तो होएगा तो सर हमारा बोलेगा तो इस जीवन मेरा धन्य है सर। हमारा मृत्यु का मत डरिए, क्या ऐसा कर रहे हैं, क्या शायद ऐसा कर रहे हैं, वो बेबस है, पागल है। मैं पागल नहीं हूँ सर, आप लोग पागल बनाएगा तो मैं पागल हूँ, मगर हम पागल नहीं है सर। सर पागल जैसा देखिए सर, साईं बाबा आया था तो बोल रहा था ढोंगी बाबा है ऐसा बोल रहा था, जैसा ईसा नबी आया था तो उसको फांसी देने के लिए चला गया था, ये सच है सर, आप लोग ये करके देखिए। जीसु ख्रिस्ट जी ने उसको सूली में चढ़ा दे गया, अभी उसको देखिए उसका पूजा पाठ कितना कुछ कर रहे हैं। हम नहीं चाहते ऐसा नहीं कि हम दवा कर रहे हैं, हम नहीं चाहते है सर, हमको ऐसा रहना है कि आपका साथ में रहने का है, जैसा मैं हूँ वैसा मैं हूँ, मेरा कोई नाम ना ले ऐसा, हमको हमारा कोई नाम ले, हमारा कोई भला करे ऐसा बात नहीं। हम सिर्फ ये उपदेश देने के जरिए मतलब दुनिया को ये कोरोना महामारी से बचा सकता हूँ और भ्रष्टाचार दुनिया जो भी है ये 18 से 25 महीने के अंदर ख़त्म हो जाएगा, गारंटी सर। और सतयुग भी आ जाएगा, सतयुग भी आ जाएगा, भ्रष्टाचार दुर्नीति ख़त्म हो गया तो सतयुग भी आ जाएगा। कोई भी व्यक्ति ऐसे दिन आ जाएगा कि कोई भी व्यक्ति एक दुष्कर्म काम करेगा ना सर तो हजारों बार सोचेगा, अभी तो एक बार भी नहीं सोचता है, हजारों दुष्कर्म काम करने के लिए एक बार भी नहीं सोचता है। और ऐसा दिन का मैं दावा करता हूँ कि एक दुष्कर्म काम करने के लिए हजारों बार सोचेगा कि मैं क्या करने जा रहा हूँ, ऐसा आ जाएगा सर। क्या संदेश देना चाहेंगे आप दुनिया को? दुनिया को संदेश बोलेगा तो यही सर, क्या 25 दिन में कोरोना दुनिया से ख़त्म हो जाएगा, ये नहीं बात अभी आपके मीडिया के जरिए मैं आपको अभी फिलहाल नहीं बोल सकता हूँ, क्योंकि मैं देख चुका हूँ देख रहा हूँ कि दुनिया बहुत बेईमान है, बेईमानी कर सकता है। मेरा सरकार से मेरा बात होएगा, यानी कि आपकी बात को हाईजैक कर सकते हैं। हाँ, ये बात हमारा पूरा करेगा, कोरोना तो ख़त्म हो जाएगा 25 दिन में, ये तो 100%। अभी हमारा सबसे बड़ा काम क्या है कि सतयुग जैसा एक दिन आएगा और दुनिया से भ्रष्टाचारी ख़त्म हो जाएगा। अब आपने सुनी विकास फकीर की बात, हम आपको एक बार ध्यान से हमारी बात सुन लीजिए। विकास फकीर हैं जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, सामने बैठे हुए हैं। इनका दावा ये है कि जो इनके पास 3 गुप्त संदेश हैं, वो तीनों गुप्त संदेश ये सरकार के सामने रखना चाहते हैं, सिर्फ सरकार को ही बताना चाहते हैं, ताकि जो इनके जो उपदेश है या इनका इन चीज़ों को ख़त्म करने का जो तरीका है इनका, वो सिर्फ सरकार के सामने रखना चाहते हैं और ये स्टाम्प पर लिख कर देने को तैयार हैं कि अगर इनकी बताई हुई बातें अगर सरकार मान ले तो विश्व से कोरोना भी भ्रष्टाचार भी, ये दोनों तो ख़त्म होंगे जड़मूल से, लेकिन भ्रष्टाचार भी ख़त्म हो जाएगा, कोरोना भी ख़त्म हो जाएगा और सतयुग भी बहुत ही जल्दी आएगा। जैसे कि दावा करते 25 दिन में कोरोना ख़त्म और 18 से 25 महीने में भ्रष्टाचार ख़त्म और सतयुग भी आएगा। अब हम अपने दर्शकों को और सरकार को विकास फकीर का फ़ोन नंबर दे रहे हैं और सरकार भी और
पूरी दुनिया भी इनका फ़ोन नंबर नोट कर ले और कोशिश करे कि इन जो गंभीर समस्याएं हैं इनसे जल्द छुटकारा मिले पूरी दुनिया को, पूरे विश्व को, ताकि हर आदमी खुशहाल रह सके। तो विकास फकीर जी, आप अपना नंबर दे, मोबाइल नंबर बता दीजिए हमारे दर्शकों को भी, पूरी दुनिया को और देश की सरकारों को भी। सर और कुछ और थोड़ा बात बोलना चाहता हूँ सर, उससे पहले अपना फ़ोन नंबर बता दीजिए। ठीक है, ओके सर। मेरा मोबाइल नंबर है 77387703391। एक बार और नंबर बता दीजिए, 77387703391। तो ये मोबाइल नंबर आप नोट कर लीजिए और विकास फकीर का ये मोबाइल नंबर है। अब देखना होगा सरकार कब विकास फकीर को अपने पास बुलाती है। अगर इनकी बात में सच्चाई है, अब कोरोना ख़त्म होता है इनकी बताई हुई बात से, भ्रष्टाचार ख़त्म होता है इनकी बताई हुई बात से, और इनकी बताई हुई बात से सतयुग आता है, तो इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। सरकार को भी चाहिए कि एक बार जरूर वो विकास फकीर से मिले, उनकी बात सुने, ताकि इन समस्याओं से जल्दी छुटकारा मिले और देश की जनता एक बार फिर सतयुग का युग देख सके। जी सर, क्या कहना चाहेंगे? सर और क्या कहना चाहता हूँ सर, दुनिया सबको ही बोल रहे हैं कि बेशक महामारी बीमारी है सर, मगर कोई खुश नहीं है, मगर हम इतना खुश हैं ना सर, पूछिए आप खुश क्यों हैं? बहुत खुश है सर, क्योंकि ये देखिए लाखों लोग मर चुके हैं इस बीमारी से और आप कह रहे हैं कि आप खुश हैं। सर हम तो 8 महीने, लाखों लोग क्यों मर रहे सर, ये समाज है, इसका दायित्व समाज है। मैं समाज को 8 महीने से मैं बता रहा हूँ, बोल रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ। मैं एमएलए के पास गया हूँ, पुलिस थाने में गया हूँ, डॉक्टर के पास गया हूँ, अपना तो किसी ने आपकी बात नहीं सुनी। कलेक्टर ऑफिस तक भी गया हूँ, तो मगर कलेक्टर ऑफिस में हमको घुसने नहीं दिया, हमारा बात भी किसी ने नहीं माना। इसीलिए आपने अब सरकार के माध्यम से अपनी बात रखने की बात रखी। हाँ हाँ सर, और क्या कर सकता है सर। तो मैं बोल रहे था ना सर, क्यों खुश है सर, इससे अच्छा क्या है सर। आज देखिए सर, क्या लाखों लोग मर चुका है बराबर है, मगर देखिए भ्रष्टाचार दुर्नीति दुनिया में लगता है दिन में लाखों हो रहे। आज तो सोचिए साल भर में इतना मरा है, मगर दिन में इतना भ्रष्टाचार दुर्नीति हो रहे है सर। तो ये दुनिया से ख़त्म हो जाएगा तो इससे बड़ा और क्या है सर, इससे बड़ा और खुशी का क्या बात है सर, यही इतना ही बस। यानी कुदरत का इशारा था ये कोरोना? हाँ हम तो मानते हैं सर, कुदरत का इशारा है सर। कभी सर, कभी दुनिया वाले सोचा क्या कि ऐसा महामारी बीमारी आएगा? कभी नहीं सोचा। कभी कोई सोचा कि ऐसा सतयुग जैसा दिन एक दिन आएगा? कभी नहीं सोचा सर, मगर अभी मैं ही सोचता हूँ और मैं ही दावा करता हूँ, सतयुग भी आएगा और कोरोना भी 25 दिन में ख़त्म हो जाएगा और भ्रष्टाचार भी खत्म हो जाएगा, सब पूरा सर, भ्रष्टाचार दुर्नीति कुछ भी काम है। तो अब देखना होगा हमारे चैनल के माध्यम से ये खबर कब तक सरकार के पास पहुंचती है, कब तक दुनिया में पहुंचती है, और कब दुनिया के लोग, दुनिया की जितनी देश की सरकारें हैं, कब विकास फकीर से संपर्क करती हैं। हालांकि इन्होंने अपना मोबाइल नंबर दे दिया है, और अगर इनकी बात में दम है, सच्चाई है, तो एक बार दुनिया की जितनी भी सरकारें हैं उन सभी को इनसे मिलना चाहिए, इनसे बात करनी चाहिए, क्योंकि ये कहते हैं कि गुप्त बातें हैं, वो सिर्फ सरकार के सामने ही अपनी बात रखेंगे, भ्रष्टाचार को ख़त्म करने के लिए, कोरोना को ख़त्म करने के लिए और सतयुग को लाने के लिए। आप जुड़े रहे, बने रहिए हमारे साथ, हम लगातार आपको अगले समय में, आने वाले समय में इसी तरह किसी और शख्सियत से रूबरू कराएंगे। तब तक हमें इजाज़त दीजिए, मैं हरीश कपूर ग्राउंड मीडिया से अपने कैमरामैन सहयोगी इंतजार आलम के साथ सफ़ेद शहर से।